मैंने ये 7 ऐड नेटवर्क को टेस्ट करा है, मुझे जो सबसे शॉकिंग रिजल्ट्स मिले इनमें से वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और आपके लिए भी एक सही ऐड नेटवर्क चूज करके इस वीडियो में बता दूंगा कि आपको कौन सा ऐड नेटवर्क की तरफ जाना चाहिए अगर आप लोग ज़्यादा रेवेन्यू बनाना चाहते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी अच्छा खासा ट्रैफिक है, या फिर अगर आप लोग का ऐप ऑलरेडी अच्छा खासा चल रहा है लेकिन आप लोग परेशान हो कि मुझे एडमोब नहीं यूज़ करना, फेसबुक भी यूज़ नहीं करना, तो भाई मैं कहाँ जाऊँ, एप्लॉबिन का उतना अच्छा ही CPM नहीं मिलता, यूनिटी का उतना अच्छा ही CPM नहीं मिलता है, तो ऐसे कौन से ऐड नेटवर्क है जिनको मुझे चूज़ करना चाहिए जो मेरे एप्लीकेशन पे अच्छे खासे परफेक्टली मतलब रन करें और मुझे अच्छा खासा रेवेन्यू बना के दें। तो इस वीडियो में क्लियरली मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, स्किप करोगे तो आप लोग बहुत बड़ा वीडियो मिस करने वाले हो, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक देखना, सब कुछ समझ आ जाएगा। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे और मैंने इन 7 ऐड नेटवर्क को टेस्ट करा है, जो इनका CPM रहा है, जो इनका रेवेन्यू रहा है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इन सभी चीज़ों के मामले में कौन सा ऐड नेटवर्क सबसे पावरफुल है और किसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। देखो जो अपना एक्सपीरियंस होता है वही मैं शेयर कर रहा हूँ, बाकी जो आप लोग का एक्सपीरियंस है आप लोग मुझे कमेंट में बताना ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग का क्या एक्सपीरियंस रहा है इन ऐड नेटवर्क को लेकर, जो जो ऐड नेटवर्क के नेम मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो भी इन टॉप 7 है शायद इनमें से आपने किसी ने किसी को तो यूज़ किया ही होगा, अगर आप लोगों ने किसी को नहीं यूज़ करा है, अगर आप लोग अभी फर्स्ट टाइम सोच रहे हो तो भी आपको इसके डाउट से जो भी मन में क्लियर हो जाएंगे कि मुझे किस ऐड नेटवर्क के साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए। देखो नंबर 1 पे है जो गूगल एडमोब है, एक्चुअल में एडमोब को नंबर 1 पे रखने का मतलब ये नहीं है कि एडमोब बेकार है, एड लिमिट लगता है, एक्चुअल में एडमोब पहले भी नंबर 1 पे था और अभी भी है, क्योंकि देखो जो बड़े मतलब जिनका बिजनेस है एज अ जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है एडमोब, बहुत सपोर्ट करता है उनको, तो वो लोग एडमोब के साथ ही जाना पसंद करते हैं, उनके अकाउंट में बहुत कम रिस्ट्रिक्शन लगता है, बहुत कम एड लिमिट लगता है, लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट में पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगते हैं, इतने ज़्यादा इनमिनट क्लिक होते हैं, ये तो किसी को भी नहीं पता, तो इसलिए उनके लिए तो भाई ये बहुत बढ़िया ऐड नेटवर्क है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि एडमोब को कभी भी बेकार नहीं बोलूँगा मैं, बस ऐड लिमिट के चलते इसको मैं बोलता हूँ कि इसको यूज़ मत करो अगर आपके एडमोब में ऐड लिमिट प्लेस हो जा रहा है बार बार ही, तो बाकी मुझे एडमोब में कोई भी ऐसा फॉल्ट नहीं दिखता है जिसको लेकर मैं बोलूँ कि भाई इसको मत यूज़ करो। एडमोब को मैं हर पर्सन को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इसको यूज़ करो, अगर आप लोग यूज़ नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। किसी भी ऐड नेटवर्क को यूज़ करने से पहले अगर आपको कोई आपके मन में एक थॉट आ जाता है कि भाई इसका CPM तो $1 का है, $2 का है, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, तो भाई आपको पता ही नहीं चलेगा एक्चुअल में सच में उसका CPM कितना मिल रहा है। अगर आपको सच में पता लगाना है ना कितना CPM मिल रहा है तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसको ट्राई करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकली इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने ऐप में, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि सच में इसमें क्या CPM मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें तभी पता लगेंगी। तो ये देखो फर्स्ट में मैंने एडमोब को यूज़ करा है और मैंने एडमोब को 2018 से यूज़ करा है, तो एडमोब का एक्सपीरियंस लेकर मुझे बहुत अच्छा खासा रहा है, और अभी के टाइम में ये एडमोब ऐसा क्यों कर रहा है सबके साथ ये तो मुझे नहीं पता, ये 2020-21 के बाद, क्योंकि एडमोब के बाद जब बहुत ज़्यादा एडमोब पे सेल्फ क्लिकिंग हो रही थी उसके बाद ही एडमोब का एड लिमिट लगना प्लेस स्टार्ट हुआ, ये पॉलिसी नहीं आई, तो इसलिए सेल्फ क्लिकिंग की वजह से तो बहुत काम खराब हुआ है, इसको तो मैं 100% बोलता हूँ कि भाई सेल्फ क्लिकिंग ने आधा से ज़्यादा काम खराब करा है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है हमारा मेटा की तरफ से फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क। देखो ये मेरा फेवरेट रहा है और मैंने इससे बहुत ज़्यादा रिवेन्यू बनाया है, मैंने इसे पर मंथ में $4,000 तक भी मैंने इसे रिवेन्यू बनाया है। जब स्टार्टिंग में मैं कॉडलर यूज़ करता था तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक ऑडियंस को यूज़ करता था, और फेसबुक ऑडियंस को अभी लोग इसलिए यूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें फिल रेट अच्छा नहीं मिलता है, लोग कहते हैं कि भाई इसका मतलब ऐड रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, 1 मिलियन ऐड रिक्वेस्ट है तो 8 लाख मतलब उसका 50% रख लो कि 5 लाख उसका सिर्फ इंप्रेशन होगा, तो इसलिए हम लोग फेसबुक ऑडियंस को यूज़ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन फेसबुक ऑडियंस भी अपने आप में बहुत अच्छा है, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आप लोग देखो इनमें से अगर किसी को भी आप लोगों ने यूज़ नहीं करा है ना तो एक बार यूज़ करके देखो, अगर आप लोगों ने यूज़ करा है तो उसके लिए भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सा ऐड नेटवर्क को चूज़ करना है, अगर आप इनसे इरिटेट हो गए हो, अगर आप लोग इनसे बोर हो गए हो कि मुझे ये ऐड नेटवर्क यूज़ नहीं करना है तो। उसके बाद जो हमारा तीसरा नंबर पे है वो है गूगल ऐड मैनेजर, ये भी सेम गूगल का प्रोडक्ट है जैसे गूगल एडसेंस, गूगल ऐड मोब, वैसे गूगल ऐड मैनेजर जिसको अभी के टाइम में लोग ADX भी कहते हैं कि मुझे ADX का अप्रूवल लेना है। इसका अप्रूवल मिलना थोड़ा मुश्किल है, अगर आप लोग किसी पार्टनर के साथ जाते हो तो वो आपको आसानी से अप्रूवल करवा देते हैं, तो अगर आपको अप्रूवल चाहिए इसका तो आप लोग हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ से हम लोग आप लोग के लिए आसानी से चाहे आपका एंड्रॉयड ऐप हो या फिर आपको किसी भी तरीके की वेबसाइट हो उसके लिए अप्रूवल करवा देंगे। वेबसाइट है तो आपका वेबसाइट पुराना होना चाहिए, उसका एडसेंस का रिवेन्यू 1 महीने का होना चाहिए तभी वो अप्रूवल मिलेगा, नहीं तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। लेकिन एंड्रॉयड ऐप में ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपके ऐप पे 0 डाउनलोड है तभी भी आपको अप्रूवल मिल जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे ऐड मैनेजर के साथ जा सकते हो। यहाँ पे एप्लॉबिन की बात करता हूँ। देखो एप्लॉबिन पहले बहुत बेकार था और मुझे अभी का तो नहीं पता, पहले एप्लॉबिन को अप्रूवल मिलना ही बहुत मुश्किल था। अब तो फिर भी मिल जाता है लेकिन पहले नहीं मिलता था। तो एप्लॉबिन का अप्रूवल चाहिए, उसके लिए आप लोग को भाई बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं पहली बात तो। और यहाँ पे मेरे को जो एप्लॉबिन का ECPM मिला है, जब तक मैंने इसको यूज़ करा है अराउंड $1 से लेके $1 से लेके और यहाँ पे 50 सेंट तक मुझे मतलब मिला है, $1 से हाफ में और $1 तक मुझे ECPM मिला है। तो यहाँ पे जो ECPM मिलता है वो तो ठीक ठाक ही मिलता है। अगर आप लोग इसको यूज़ करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में इसका ECPM क्या मिलता है। देखो एप्लॉबिन मेरे हिसाब से सबके लिए नहीं है। अगर आप लोग अर्निंग ऐप चला रहे हो तो अब आप लोग एप्लॉबिन का यूज़ करो, अदरवाइज़ अगर आपका कोई और कैटेगरी का एप्लीकेशन है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग एप्लॉबिन के साथ जाओ, क्योंकि एप्लॉबिन में उतना अच्छा खासा रिवेन्यू नहीं बनता है। लेकिन अगर आपका वही कोई गेम है, अगर कोई अर्निंग ऐप है तो वहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटीज़ है कि वहाँ पे आपको ज़्यादा रिवेन्यू बन जाए एज अ कम्पेयर टू अदर एप्लीकेशंस। तो इसलिए अगर आपको कोई अर्निंग ऐप है, गेमिंग ऐप है जिसमें ज़्यादा क्लिक्स हो रहे हैं तो आप लोग एप्लॉबिन के साथ जाओ, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद जो यहाँ पे 5th नंबर पे है वो है यूनिटी ऐड। देखो यूनिटी ऐड को मैंने बहुत यूज़ करा है। जब मैंने सुना था यूनिटी के बारे में तो मुझे लगा था कि यूनिटी सिर्फ गेम डेवलप के लिए है, लेकिन मुझे पता चला कि बाद में यूनिटी मोनेटाइजेशन भी करता है। तो यूनिटी पे अगर आप लोग गेम बनाते हो तो यूनिटी के ही एड्स को प्लेस कर सकते हो, जो बहुत आसान है। और यहाँ पे अगर आप लोग नॉर्मली यूनिटी को यूज़ करना चाहते हो तो इसके लिए देखो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जो होते हैं वो होते हैं गेमिंग एप्लीकेशन। तो अगर आप लोग के पास कोई गेमिंग एप्लीकेशन है या फिर आप लोग गेमिंग एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप लोग सबसे बेस्ट मैं कहूँगा कि आप लोग यूनिटी के साथ जाओ। यूनिटी आपको बहुत कमाल के रिजल्ट्स निकाल के देगा, जिससे आप लोग को अच्छे खासे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, साथ ही में आपको यहाँ पे अर्निंग भी बहुत अच्छी खासी होने वाली है। अदर एप्लीकेशन के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि आपको अच्छा खासा रिवेन्यू बने आपको फ्यूचर में मतलब गेमिंग एप्लीकेशन में, तो आप लोग यूनिटी के साथ जाओ, क्योंकि यूनिटी पे सिर्फ और सिर्फ गेम वाले ही एड्स आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग यूनिटी के साथ जा सकते हो और गेमिंग मतलब गेमिंग एप्लीकेशन में इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो मैंने जहाँ तक इसको यूज़ करा है, मुझे मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो गेमिंग ऐप को लेकर ज़्यादा अच्छा रहा है। तो अगर आप लोगों के पास कोई गेमिंग ऐप है तो आप लोग उसके लिए मोनेटाइज कर सकते हो यूनिटी के साथ। और कोई एप्लीकेशन है तो आप लोग उसके लिए मत जाना, क्योंकि इसका ECPM बहुत बेकार मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जो 6th नंबर पे है वो है start.io। start.io को तो शायद आप लोगों ने कभी ना कभी यूज़ करा होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने तो इसको बहुत यूज़ करा है। अभी के टाइम में तो ये कुछ ज़्यादा ही मतलब अच्छा इन्हेंस हो गया है, पहले के टाइम में ये बहुत बेकार था, लोग पता नहीं इसको यूज़ कैसे करते थे। लेकिन अभी के टाइम में तो ये काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो गया, मतलब अपग्रेड हो गया है। अभी के टाइम में मैंने इसको यूज़ नहीं करा है, लेकिन जो मेरा पहले का एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही ख़राब रहा है इसको लेकर, क्योंकि यहाँ पे ऐड नेटवर्क जो ये start.io है इसका इंप्रेशन और ऐड क्वालिटी तो इतना बेकार है। पहले बेकार था, अब तो मैंने यूज़ नहीं करा है तो आपका नहीं पता, तो पहले बहुत बेकार है और यहाँ पहले बहुत बेकार था। और ECPM तो भाई पूछो ही मत, इतना गंदा ECPM शायद मैंने किसी और ऐड नेटवर्क को मैंने देखा ही नहीं होगा। तो इसलिए start.io को जो मेरा एक्सपीरियंस लेकर रहा है भाई बहुत बेकार रहा है, तो इसलिए मैं start.io को अब बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ। और पहले भी मैंने यूज़ करा था जब, तो उसको मैंने कुछ ही टाइम में रिमूव भी कर दिया था जब मैं कॉडलर से ऐप बनाता था। तो यहाँ पे start.io को यूज़ करने का भाई कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आप लोग अभी भी यूज़ कर रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि अभी के टाइम में आपको क्या ECPM मिल रहा है, क्योंकि मैंने अभी के टाइम में इसको यूज़ नहीं करा है। तो इसलिए अगर आप लोग अभी यूज़ कर रहे हो तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। उसके बाद जो लास्ट है वो है इनमोवी को शायद आप लोगों ने जाना भी नहीं होगा, कितने लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा। मैंने इसको काफ़ी पहले यूज़ करा है कॉडलर में। इनमोवी एडवर्टीजमेंट भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के एड्स प्रोवाइड करता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये कंपनी इंडिया की कंपनी है। अगर आप लोग ऐसा इंडिया के ऐप को यूज़ कर रहे हो, इंडिया में ऐप को टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको इंडिया की कंपनी मिल जाती है इनमोवी, जिसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एडवर्टाइज़र भी हो अगर आप लोग, तो आप लोग एडवर्टाइज़ कर सकते हो। अगर आप लोग पब्लिशर हो तो पब्लिशर पे क्लिक करके, यहाँ पे गेम डेवलपर हो तो मोनेटाइज योर गेम, और अगर आप लोग ऐप डेवलपर हो तो ऐप ग्रो, या फिर कह लो मोनेटाइज योर ऐप। तो इस तरीके से आप लोग अपने ऐप को भी और अपने गेम को भी इन मूवी के साथ मोनेटाइज कर सकते हो, जो वन ऑफ द बेस्ट है। मैंने इसको आज से नहीं तो 5-6 साल पहले यूज़ करा है, और आप लोग इसको अभी यूज़ करना, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ऐड प्रोवाइड करता है। और ये जो अगर ट्रस्ट की बात आती है तो भाई इंडिया की कंपनी है, बैंगलोर की कंपनी है, तो आप लोग इस पर ट्रस्ट भी कर सकते हो। और ये बहुत पुरानी कंपनी है, ऐसा नहीं कि नई कंपनी है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इन 7 ऐड नेटवर्क में से कौन सा ऐड नेटवर्क ज़्यादा बेस्ट है वो बताने के लिए अगर आप लोग मेरे से पूछोगे, तो मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि भाई Google AdX के साथ जाओ अभी के टाइम में।
अगर आप लोग चाह रहे हो कि 2025 में आपको अच्छा रिवेन्यू बने, अच्छा खासा अर्निंग हो, तो आप लोग भाई अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप लोग जितना टाइम इधर उधर स्पेंड कर रहे हो, सीधा आप लोग गूगल एड मैनेजर पे जाओ, इसका अप्रूवल करवाओ और इसको इंटीग्रेट करो और अर्निंग करो। जहाँ तक आप मतलब एडमुक्ट में बात करूँगा कि अगर आपका पर मंथ $100 अर्न हो रहा है, $100 आपका पर मंथ अर्न हो रहा है, तो वहाँ पे गूगल एड मैनेजर में आप लोगों का $200 $200 से $300 पर मंथ अर्न हो जाएगा, उतने ही डाउनलोड्स में, उतने ही क्लिक्स में सेम, क्योंकि एड मैनेजर में CPM ज़्यादा मिलता है और ओवरऑल बहुत अच्छी एड क्वालिटी मिलती है। सेम गूगल एडमुक का ही तरह एड मिलेगा आपको, और सारी चीज़ें जो एडमुक की हैं वही सेम चीज़ें एड मैनेजर की हैं, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा होगा तो डेफिनेटली कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे आप लोग इन एड नेटवर्क को यूज़ कर सकते हो, और जो जो मैंने यूज़ करा है मैंने उसका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर दिया है कि कौन सा एड नेटवर्क ज़्यादा बेस्ट है, किसका CPM ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। तो आप लोग बताना अपनी कॉमेंट में, अपनी राय जरूर देना कि आपको इन सभी एड नेटवर्क को लेकर क्या राय है, आप लोग इनमें से कौन सा यूज़ कर रहे हो और कौन सा यूज़ करना चाहते हो। अगर आप लोग इनमें से कोई भी यूज़ कर रहे हो और आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप लोग मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि एक्चुअल में आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आई होप गाइस यहाँ तक वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली समझ आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ ही में अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो में हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहे और आप लोग कोई वीडियो मिस ना कर पाओ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।